Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू testbook.com. गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉप 50 अवार्ड्स एंड ऑनर्स अभी रीसेंट के अंदर बांटे गए. तो आने वाले टाइम में अगर आप इस डेट से लेकर आने वाले 6 महीने के अंदर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए जो वहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पूरे ऑलमोस्ट जो 50 क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं पूरे साल भर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोगों ने लिया है यहाँ पे. सो पूरे साल भर के उसमें से 50 क्वेश्चंस अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर, साथ ही साथ जो इवेंट्स आपके रहेंगे, कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया था, स्टैटिक पॉइंट्स, और 2019 में किसको दिया गया. इन सबसे पहले कुछ कोर्सेज जो टेस्ट बुक ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जस्ट कंप्यूटर जी दिखाएंगे थोड़ा सा कुछ कोर्सेज. पहला करंट अफेयर्स का कोर्स है आप जिसमें हम लोग पूरे साल भर के जो करंट अफेयर्स हैं 2019 के, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2019 टू दिसंबर 2019 तक का जितना भी एरिया आपका रहेगा, इसमें मंथली टॉप एमसीक्यूज प्लस जो सेक्शन वाइज जो कोर्सेज होते हैं या करंट अफेयर्स होता है उसको डिस्कस किया जाएगा. और दूसरा जो कोर्स है आपका वो है जीएस फाउंडेशन के ऊपर. तो जीएस फाउंडेशंस बेसिकली जो मेजर टारगेट वो आपका सीजीएल, इसके अलावा जितने भी अदर एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो बेसिक टू एडवांस लेवल का जितना भी जीएस है वो आपका पढ़ाया जाएगा. तो इनके लिए बेसिकली आपको एनरोल करना है टेस्ट बुक के वेबसाइट पर जाके और इन कोर्सेज के अंदर आपको एक्सेस दिया जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जी. बेसिक आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर जैसे अगर आप आरआरबी पीओ लिखने जा रहे हैं या फिर आईबीपीएस या अदर्स आरवे ग्रेड भी जितने भी एग्जामिनेशंस के लिए आप जाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी या अदर्स कोई भी एग्जामिनेशंस हो वहाँ पे इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझें और अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे लिख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं सेशन को. फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से इसको रीड कीजिए, देन आपको जो सही आंसर लगता है उसको आपको मेंशन करना है कमेंट्स के थ्रू. सो हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द चेंज मेकर अवार्ड 2019 एट द गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019. तो अभी रिसेंटली आपका गेट्स एंड मेलिंडा ट्रस्ट के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसके अंदर आपका चेंज मेकर या पहले भारतीय आपका या ओनली इंडियंस जिनको चेंज मेकर 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पायल जांगेड़, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट या जो फिर जो अगर हम लोग इनके एरिया की बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट के अंदर, एक समाज सेविका जिनके द्वारा जो चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है, जो भी बाल विवाह है उसको रोकने के लिए बहुत सारे टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट्स या आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंपेन्स इनके द्वारा लीड किए गए. तो जिनके चलते हुए पायल जांगेड़ को आपका चेंज मेकर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया. हाँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि जनरली सोशल एक्टिविटीज़ या फिर जितने भी जो की इश्यूज़ हैं आपका उनके ऊपर वर्क करता है. अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर दी नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स बीइंग प्रेजेंटेड विच आर डिफाइंड अंडर 5 गोल्स कैटेगरीज ऑफ नेशनल वाटर मिशन. तो अभी जैसे इस साल आपका जो नेशनल वाटर मिशन है उसके रिगार्डिंग कुछ गोल्स आपके सेट किए गए थे, तो उनके चलते हुए 2018-19 के लिए कुछ लोगों को आपका राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. सो राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार के अंदर कितने लोगों को आपका अवार्ड दिया गया, तो कैटेगरीज आपको बतानी है कितने कैटेगरीज के अंदर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए आपका जल शक्ति मिनिस्टर्स के द्वारा. सो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा आपका हाईलाइटेड रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. विक्की का कहना है 12, ओके, सुमित कुमार का कहना है 12 करेक्ट आंसर नहीं है, टोटल आपका 10, ठीक है, 10 आपका 10 कैटेगरीज़ के अंदर 10 अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर आपका अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है. सो नेशनल वाटर मिशन जो कि जनरली आपका वाटर कंजर्वेशन या इनके आपका वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपका वर्क कर रहा है, तो 5 अलग अलग एरिया जिनके ऊपर ये आपका वर्क कर रहा है, और इसके चलते हुए जो नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स 2019 जिसके अंदर 10 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर लोगों को या फिर जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको सम्मानित किया गया, जिसमें कॉरपोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स दोनों इंक्लूडेड हैं. अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है,
In September 2019, International Association of Athletic Federations honored with a veteran pin in recognition of her contribution to the growth of the sports. तो अभी ये न्यूज़ भी आपका अगर हम लोग बात करें मंथ वाइज तो सितंबर मंथ से रिलेट करता हुआ न्यूज़ आपका. सो सितंबर 2019 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ने खेल के विकास के लिए निम्न में से किसको आपका वेटेरियन पिन अवार्ड से सम्मानित किया है या वेटेरियन पिन से सम्मानित किया है, तो आपको आंसर्स बताना है. विकी का कहना है सेकेंड वन पी टी उषा. सुशांत का भी कहना है पी टी उषा, जो कि करेक्ट आंसर है. तो पी टी उषा आपका, जिनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर एज अ ट्रेनर्स या फिर उनके द्वारा जितने भी जो प्लेयर्स प्रिपेयर किए गए इंक्लूडिंग हिमा दास या उनको जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, तो उसके चलते हुए आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस के द्वारा पीटी उषा को आपका वेटेरियन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला क्वेश्चन, हु विल रिसीव द शस्त्र रामानुजन प्राइस फॉर 2019. शस्त्र रामानुजन प्राइस 2019 से किसको सम्मानित किया गया. सो 2019 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें रामानुजन के ऊपर, तो मैथमेटिशियन थे आपके रामानुजन, तो उन्हीं के चलते हुए ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है. अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ सब्जेक्ट के ऊपर दिया जाता है आपका शस्त्र रामानुजन प्राइज. तो शस्त्र रामानुजन प्राइज आपका, जो कि अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो किसको दिया गया ये आपको बताना है. सो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एडम हार्पर, जो कि एक मैथमेटिशियन है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले, यूके के रहने वाले हैं आपका एडम हार्पर. तो एडम हार्पर को उनके जनरली ये क्या होता है कि जो 32 ईयर की एज से कम के मैथमेटिशियंस को आपका दिया जाता है मैथ सब्जेक्ट के अंदर. ऐसे मैथमेटिशियन जिनका एज क्या है आपका 32 ईयर्स से कम है आपका 32 ईयर्स या उससे कम. सो 2019 शस्त्र रामानुजन अवार्ड्स आपका जो गया है किसको, एडम हार्पर को. तो एडम हार्पर जो कि करेक्ट आंसर है, याद रखें इसको, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर. तो शस्त्र रामानुजन प्राइस किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिशियंस को. और 2019 किसको गया, तो आपका एडम हार्पर, जो कि यूके के इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके मैथमेटिक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इसको दिया गया. अगला आपका, रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली आपका, जब आईफा अवार्ड कंडक्ट किए गए थे पहली बार इंडिया में मुंबई के अंदर, तो उसी इवेंट्स के दौरान आपका दादा साहेब फाल्के सम्मान से किसको सम्मानित किया गया. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा जरूर. तो जल्दी से आंसर कीजिए, थोड़ा जितना जल्दी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. तो सेकेंड वन आपका, विक्की का कहना है सेकेंड वन अमिताभ बच्चन, जिनको 2019 के लिए आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जनरली इसको आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसको अमिताभ बच्चन के जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके चलते हुए उनको 2019 दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया. सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको बोलते हैं आपका, लाइफ टाइम मतलब पर्टिकुलरली किसी ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जा रहे, दो थ्रू आउट द ईयर्स उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो उसके चलते हुए अमिताभ बच्चन को 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कन्फर्ड द ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड्स बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन 2019. अगेन अभी जो UN समिट आपका हुआ था, UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर उससे आपका 21 टू 23 के बीच में जो क्लाइमेट चेंज एक्शन हुआ था उसी के बाद आपका उसको फॉलो करता हुआ इवेंट, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जिसके द्वारा एक अवार्ड से स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया आपका ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड्स, तो ये किसको दिया गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आपने न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ पेपर के थ्रू देखा होगा कि जो बिल गेट्स सर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड्स हैंड ओवर किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को. तो नरेंद्र मोदी जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. अगला क्वेश्चन,
Which of the following won the Outstanding Comedy Series Awards at the 71st Emmy Awards? तो अभी recently September month के अंदर ही Emmy Awards जो कि drama या फिर जितने भी जो series होती है आपका उनके field में दिया जाता है, तो drama के field में आपका जितने भी नाटक या अदर ये सारी चीज़ें होती हैं इनके field में आपका दिया जाता है Emmy Awards। तो Emmy Awards अभी जो 71st Emmy Awards बांटे गए कुछ दिन पहले, तो आपको ये बताना है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज कौन सी थी इस बार की आपका। सो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का जो अवार्ड दिया गया एमी के अंदर आपका वो दिया गया किसको, फ्लीबैग जिसको आपका 2019 एमी अवार्ड्स के अंदर कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्लीबैग को। तो फर्स्ट वन जो कि करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें इन पॉइंट्स को, आने वाले टाइम में आपको ऐसे इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज अवार्ड एट द 71st एमी अवार्ड हेल्ड इन लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया US जहाँ पे इस बार के आपके 71st एमी अवार्ड्स दिए गए, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका 71st एमी अवार्ड्स कहाँ से बांटे गए, तो कहाँ से दिए गए, तो आपका आंसर क्या होगा, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस जहाँ पे एमी अवार्ड्स, और किस फील्ड में जाता है, तो ड्रामा के फील्ड में। और अब आपको ये बताना कि आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज, ठीक है, जैसे शॉर्ट फिल्म्स होती है ना, शॉर्ट फिल्म्स के उसमें अवार्ड दिया जाता है, तो वैसे ही आपका लिमिटेड सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो चेर्नोबिल जिसको आपका आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था आपका, तो चेर्नोबिल जो कि क्वेश्चन आपका, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड कीजिए, हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड फॉर द जर्नलिज्म। तो गौरी लंकेश जो कि जर्नलिज्म से रिलेट करते हुए थे, तो इनकी मेमोरी में आपका एक अवार्ड स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड्स। तो आपका जर्नली अगर आपको बोलते हैं कि गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जर्नलिज्म या पत्रकारिता जिसको बोलते हैं। अब पहला अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया, तो जल्दी से आंसर कीजिए आपका, ये भी बहुत ईजी है। अभी कुछ दिन पहले उनको रेमोन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया था और पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जर्नलिज्म के फील्ड में आपका गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड, और फर्स्ट इसी साल से इनको स्टार्ट किया गया, तो जो गौरी लंकेश फाउंडेशन है उनके द्वारा, तो पहली बार इस बार आपका ये अवार्ड, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो रवीश कुमार, हाँ मनीष का कहना है रवीश कुमार, या ऑलमोस्ट सभी के जो आंसर्स आ रहे हैं आपका करेक्ट हैं। तो रवीश कुमार जिनको रमोन मैगसेसे अवार्ड 2019 भी दिया गया था इस साल, और साथ ही साथ आपका गौरी, जो पहला गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड है वो जर्नलिज्म के फील्ड में, वो भी दिया गया रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन, हु was honored with the Magnificent Performance Art Award at the annual 21st Century Icon Awards in London. तो 21st Century Icon Awards जो कि कुछ इंडियन जो ओरिजिन पर्सन आपका US के अंदर उनके द्वारा स्टार्ट किया गया अवार्ड है आपका, तो लंदन में वार्षिक 21वीं शताब्दी के आइकन अवार्ड्स में किसको शानदार प्रदर्शन कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या फिर मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस आर्ट अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ वन, सोनू निगम जिनको आपका मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट अवार्ड 2019 और 21st सेंचुरी अवार्ड्स जो कि आपका आर्ट्स हो गया फिल्म या इधर इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये इनको जो स्टार्ट किया गया वो आपका इंडियन ओरिजिन कुछ बिजनेसमैन जो लंदन के अंदर रहते हैं उन्हीं के द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार पटेल नेशनल यूनिवर्सिटी अवार्ड्स और न्यू ऑनर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू द फर्दर नेशनल इंटीग्रेशन ऑन द पैटर्न ऑफ पद्म अवार्ड्स विल बी बेस्ट शो एनुअली टू एन इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एज पर द मिनिस्ट्री। तो आपको ये बताना कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी एक नया अवार्ड स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया सरदार पटेल नेशनल यूनिवर्सिटी अवार्ड, सॉरी नेशनल यूनिटी अवार्ड्स, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड 2019, या अभी एक नए अवार्ड्स आपके स्टार्ट किए गए हैं जिनको जनरली अगर हम लोग बात करें कब से स्टार्ट होगा, तो जैसे जो नेशनल यूनिटी डे आपका मनाया जाता है 31st अक्टूबर को, लास्ट ईयर इसको स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में आपका 31st अक्टूबर मनाया जाता है यूनिटी डे, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको बोलते हैं। अब 31st अक्टूबर से ही एक नया अवार्ड स्टार्ट करने की बात की है, ऐसे लोग या ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे ग्रुप जो कहीं ना कहीं
नेशंस की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने में आपका हेल्प रख रहे हैं या भारत राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में आपका जिन लोगों का योगदान है, तो उनको होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक अवार्ड उनके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया अवार्ड का अनाउंसमेंट जो कि किस नाम से जाना जाएगा, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड्स। तो सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड्स या सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो स्टार्ट होगा कब से, 31 अक्टूबर, और अनाउंसमेंट या इसको जो अलॉटमेंट किया जाएगा तो 31 अक्टूबर जो कि नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार पटेल के मेमोरी में। तो ये कुछ पॉइंट जिनको ध्यान रखें। अब 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा तो किसी एक पर्सनालिटी को या ग्रुप को या फिर कंपनी को ये अवार्ड बांटा जाएगा, तो उसमें आपको उस पॉइंट को भी अपडेट करना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, Who among the following won the Best Playback Singer Award at the IFA 2019? Indian International Film Academy Awards जो अभी recently बांटे गए, तो आपको ये बताना है Best Playback Singer Awards। तो इस बार IFA Award generally अभी तक हम लोग इंडिया से बाहर होस्ट करते आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि IFA Awards आपका इंडिया के अंदर, और इंडिया में इनको ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, मुंबई के अंदर। तो पहली बार इंडिया के अंदर आपका मुंबई में IFA Awards हुए। आपको ये बताना कि बेस्ट प्लेबैक का अवार्ड किसको दिया गया। आपके पास ऑप्शन है अरिजीत सिंह, हर्षदीप कौर और विभा सराफ। तो ये तीन नाम आपका, तो जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों पर्सन आपका जिनको बेस्ट प्लेबैक का अवार्ड दिया गया आपका 2019 IFA Awards के अंदर। तो IFA Awards 5th जो कि करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, 5th करेक्ट आंसर है, ऑल आर करेक्ट, तीनों को आपका बेस्ट प्लेबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत सारे अदर्स अवार्ड, जैसे आपका अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस या अदर्स जो भी कैटेगरीज, तो कुछ अवार्ड जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, अदर एरियाज को आपको ध्यान रखना है। हु वॉज द बेस्ट एक्टर फीमेल Award at the IFA, the International Indian Film Academy Awards 2019. So IFA के अंदर आपका बेस्ट एक्ट्रेस या फिर बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी के अंदर अवार्ड किसको दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट उनकी मूवी राजी के लिए उनको आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आपका IFA 2019 के लिए। ठीक है, जैसे पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को। ठीक है, तो रणवीर सिंह जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल कैटेगरी के अंदर, और बेस्ट एक्ट्रेस या आपका बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी के अंदर आपका आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी राजी, जिसकी एक्टिंग के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आलिया भट्ट जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जियो साइंसेज माइनिंग एंड एलाइड एरियाज वर प्रेजेंटेड टू हाउ मेनी साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सो अभी एक और अवार्ड जिसका अनाउंसमेंट किया गया, जिनको किस नाम से जाना जाता है, नेशनल जियो साइंस या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं आपका राष्ट्रीय भूगोल शास्त्र आपका जनरली। ठीक है, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 के लिए आपका कितने वैज्ञानिकों को आपका अवार्ड्स दिया गया, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ जो साइंटिस्ट जिनको आपका इसके अंदर अवार्ड दिया गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 22 साइंटिस्ट आपका अक्रॉस द कंट्री जिनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। और जियो साइंस अवार्ड आपका किसके अंदर, जो जियो साइंस आपका जियो साइंस या जिसको हम लोग भू विज्ञान आपका बोलते हैं, इसके अलावा माइनिंग और एलाइड एरियाज या उससे संबंधित जो, तो आपका जितने भी जो जियो साइंस या अगर भू विज्ञान बोलें खनन और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसके अंदर दिया जाता है आपका नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 का अनाउंसमेंट किया गया, जिस अनाउंसमेंट के अंदर 22 साइंटिस्ट जिनको आपका नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज फैसिलिटेटेड इन द US विद एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों ने मे भी इनके बारे में सुना भी होगा। तो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 US के द्वारा दिया गया किसको, तो कौन सा ऐसा आपके पास 5 ऑप्शन, इनमें से किसको आपका, तो सुपर 30 आप लोगों ने देखी होगी आई होप, या सुपर 30 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस स्कूल के चलते हुए आनंद कुमार को आपका एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो सुपर 30 जो कि बेस्ड है आपका एक मैथमेटिशियंस या अदर्स जो पूरा ओवरऑल NIT या अदर्स जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी जो क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए, प्लस जो अदर फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को आपके प्रोवाइड की जाती हैं, तो सुपर 30 के चलते आपका, इनके स्कूल का नाम है सुपर 30, सो उसके चलते हुए US गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के अंदर इंक्लूड किया है किसको आपका, आनंद कुमार को। तो आनंद कुमार
ये आपका, और साथ ही साथ इनका स्कूल आपका टॉप 100 कॉलेज स्कूल्स के अंदर भी है आपका, या अदर्स बहुत सारे अवार्ड जो इनको दिए गए। तो आनंद कुमार जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बूस्टन इन 2019। सो बूस्टन के अंदर आपका अभी कुछ दिन पहले इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुए थे, उसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था। तो अभी 2019 के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज आई थी, तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया आपका, नीना गुप्ता को। तो नीना गुप्ता जो कि जिन्होंने बधाई हो, या फिर आपका एक और मूवी इनकी आई थी आई थिंक लास्ट कलर या समथिंग एक मूवी आपकी आई थी नीना गुप्ता की, तो नीना गुप्ता के जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया किसको, नीना गुप्ता को। तो नीना गुप्ता ये नाम याद रखें, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेम्ड डैश बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ उत्तराखंड फार्मर्स हैज़ बीन नोमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। अगेन अभी इंडिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री जिसको ऑस्कर के लिए नोमिनेट किया गया है, ठीक है। तो जनरली ये आपका उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक फार्मर्स जिनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने जो प्लान है उसको रोका, या अदर्स जो एग्रीकल्चर के अंदर उनके द्वारा बहुत सारे एग्रीमेंट्स या बहुत सारे इनोवेशंस आपके किए गए, तो उनके चलते हुए आपका उनकी लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया गया था, और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आपका ऑस्कर 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया। तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री का नाम बताना है, और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है आपका, मोतीबाग, ठीक है, मोतीबाग। जैसे बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आपका, करेक्ट आंसर मोतीबाग, और ध्यान रखें इसको ऑस्कर नॉमिनेशंस के अंदर। जैसे अगर हम लोग मूवी की बात करें तो गली बॉय जिसको नॉमिनेट किया गया इंडिया के तरफ से, और गली बॉय मे भी हर कोई जानता है, तो डॉक्यूमेंट्री से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको मिल सकता है मोतीबाग, जिसका करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखें किसके ऊपर बनाया गया। तो एक फार्मर्स आपका, जैसे मैंने आपको बताया पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर आपका उनकी लाइफ स्टाइल्स या किस तरीके से उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट दी 20th आईफा अवार्ड सेरेमनी। सो आईफा अवार्ड सेरेमनी किस सिटी के अंदर आपका, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स कहाँ पे होस्ट किए गए, तो आपको ये बताना है आईफा अवार्ड कहाँ पे होस्ट किए गए। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पे, मुंबई के अंदर, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आईफा अवार्ड्स हैं उनको आपका इंडिया के अंदर होस्ट किया जा रहा है। इससे पहले मोस्ट ऑफ टाइम आपका सिंगापुर, बैंकॉक या एम्स्टर्डम या अदर्स अलग अलग सिटीज़ के अंदर आपका होस्ट किया जाता था, तो पहली बार आईफा अवार्ड्स को होस्ट किया गया आपका इंडिया के अंदर, और सिटी है आपका मुंबई। तो मुंबई जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड द डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 इन सेप्टेम्बर 2019। अगेन एक और अवार्ड जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका दिया गया है, सितंबर 2019 में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शेख हसीना, ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिनको आपका बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जिनको आपका डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। सो करेक्ट आंसर आपका शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हु वॉज अवार्डेड विद एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड इन सेप्टेम्बर 2019। सो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया। सो इंजीनियरिंग के फील्ड में आपका अवार्ड दिया था जब आपका वर्ल्ड इंजीनियर्स डे आपका सेलिब्रेट किया गया था, तो उसमें एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जल्दी से बताना है एमिनेंट इंजीनियर या फिर प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विनोद कुमार यादव जिनको एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2019। और अगर आप विनोद कुमार यादव क्या नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडियन रेलवे आपका जिसके चेयरमैन है, तो एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2019 गोज टू विनोद कुमार यादव जो कि करेक्ट आंसर है, और इसको याद रखें आपका इंडियन रेलवे, आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक प्रेजेंटेड सीबीएसई टीचर्स अवार्ड 2018
to how many teachers of the country on 12 September 2019? So, अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 12 सितंबर 2019 को देश के कितने शिक्षकों को आपका CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया, तो आपको टोटल नंबर्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स कितने थे आपका 34 टीचर्स आपका अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर के अंदर 34 शिक्षक जिनको आपका CBSE टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये सेरेमनी दिल्ली के अंदर होस्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन गोल्डन लायन अवार्ड्स एट द 76th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। सो अभी जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स सेरेमनी आपका, जहाँ पे गोल्डन लायन अवार्ड से किस या गोल्डन लायन अवार्ड किस मूवी के द्वारा जीता गया, या बेस्ट फिल्म आपका गोल्डन लायन अवार्ड्स आपका जाता है बेस्ट फिल्म को, तो ये अवार्ड आपका किसको दिया गया, तो आपको ये बताना है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जोकर, जोकर मूवी आपका जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया आपका, या गोल्डन लायन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया अंडर 76 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन द कंट्री इन द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस 2019। सो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का लिस्ट आपका जारी किया गया, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान आपको बताना है, ठीक है। जनरली बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस कौन सा रहा है आपका इनमें से, सो आपके पास ऑप्शन है आपका ताजमहल, रेड फोर्ट, वैष्णो देवी टेम्पल, या इसके अलावा जामा मस्जिद और श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो इनमें से आपका सबसे या जिसको हम लोगों ने कैटेगरी दी आपका बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड किसको दिया गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, ठीक है। सो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जिसको आपका बेस्ट आइकॉनिक अवार्ड या फिर आपका बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड फॉर 2019 टॉपिंग द चार्ट इन क्लीननेस। अगेन स्वच्छ भारत अभियान से रिलेट करता हो या स्वच्छ भारत आइकॉनिक अवार्ड से रिलेट करता हो, एक और क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वच्छता तालिका में शीर्ष स्थान पर आकर 2019 का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड जीता है, तो ये अवार्ड गया है किसको आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो मुंबई। जनरली अगर हम लोग इसके प्लेस की बात करें तो जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जिसको आपका जो कि जितने भी जो प्लेसेस हैं आपके उनके अंदर सबसे ज़्यादा टॉप में या सबसे बेस्ट रैंकिंग जो है आपका वो किसका है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, जिसको बेस्ट आइकॉनिक प्लेस अवार्ड दिया गया 2019 के लिए। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी कन्फर्ट विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस पेट प्रोजेक्ट। तो अभी जैसे लास्ट वीक आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका एक अवार्ड दिया गया, ठीक है, ग्लोबल पीस कीपर गोल कीपर्स अवार्ड्स के अंदर आपका, और ये अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, विल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। तो इनकी किस योजना के द्वारा या इनकी किस योजना के लिए ये अवार्ड आपका दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि इनकी या प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर आपका मोदी सरकार की कौन सी योजना के लिए ये अवार्ड दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोदी को ये अवार्ड मिला हर कोई जानता है, लेकिन किस स्कीम के लिए आपका दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, स्वच्छ भारत अभियान, या आपका ऑप्शन टू जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के चलते हुए या जो स्वच्छ भारत कैंपेन आपका चलाया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके चलते हुए इनको ग्लोबल आपका गोल कीपर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, Who become the first Indian women to get a medal in World Skill Event in 2019? 2019 में विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। First Indian women to get a medal in World Skill Event 2019. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं आपका, श्वेता रतनपुरा जिनको आपका श्वेता रतनपुरा बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ मेडल इन द वर्ल्ड स्किल इवेंट्स, तो श्वेता रतनपुरा जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन,
which of the following has been conferred the prestigious Scottish Governance Gold Award in August 2019? So, अगस्त 2019 में निम्न में से किसे प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2019 जो कि अगस्त मंथ के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो किससे इसको आपका सम्मानित किया गया आपको ये बताना है। सो एक स्कीम आपका जिसको स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, स्कीम का नाम है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो आपका जो ऑप्शन थ्री आपका या जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जिसको स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2019 से, तो अभी जितने भी जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें से उनके जो भी ओवरऑल उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है या उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट वर्क आपके किए गए हैं उसके चलते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जिसको स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, Which of the following was were awarded in the institutional category for outstanding contribution for the promotion and development of yoga in August 2019? So yoga ke promotion aur development ke liye nimn mein se kis sansthan ko aapka sammanit kiya gaya ya fir nimn mein se kis institution category ko aapka outstanding contributions ya fir yoga ke prachar ke liye ya fir yoga ka जो भी महत्व है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट आपका जिनको सम्मानित किया गया? तो अगर हम लोग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जापान योगा निकेतन इस लिस्ट के अंदर है, दूसरा आपका बिहार स्कूल ऑफ योगा ये भी इस लिस्ट के अंदर है, और तीसरा आपका दी लोनावला योगा इंस्टीट्यूट ये इसके अंदर आपका नहीं आता। तो दो आपके ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू, फोर्थ वन जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स करेक्ट हैं। विकी ने आंसर किया आपका फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन जो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट और आपका सेकंड जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो जापान योगा निकेतन और बिहार स्कूल ऑफ योगा ये दोनों इंस्टीट्यूशन जिनको योगा के रिगार्डिंग आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या फिर योगा के प्रमोशन के लिए आपका बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, Who has been chosen for the Eminent Engineer Award for the year 2019 by the Institutions of Engineering? So, Institutions of Engineering के द्वारा Eminent Engineers Award 2019 के अंदर किसको अपॉइंट किया या किसको चुना गया आपका? तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रभाकर सिंह, ठीक है। प्रभाकर सिंह जिनको आपका एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड, अगेन जैसे एक इससे पहले हम लोगों ने एक नाम और पढ़ा था, बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे आपका इंजीनियर्स डे पे, तो उसी कैटेगरी के अंदर आपका एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड के अंदर एक और नाम जो कि है आपका प्रभाकर सिंह जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी गेव अवे द पोषण अभियान अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018-19 इन डिफरेंट कैटेगरीज इन अगस्त 2019। सो अभी अगर हम लोग बात करें पोषण अभियान जो कि चलाया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको लीड किया जा रहा है स्मृति ईरानी के द्वारा, तो अभी जो पोषण अभियान की अगर हम लोग बात करें ना, जैसे सितंबर मंथ को हम लोगों ने पोषण माह के नाम से या मंथ ऑफ पोषण आपका डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा या ऐसे बहुत सारे अलग अलग, तो इसमें जो अवार्ड्स आपके बांटे गए थे पोषण माह के अंदर जिसमें बहुत सारे आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बात की गई, अदर्स या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स को आपका लॉन्च करने की बात की गई, तो इसी रो में आपका ये अवार्ड्स कहाँ से बांटे गए? तो आपका आंसर क्या आपका न्यू दिल्ली से, तो नई दिल्ली से आपका केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा 2018-19 के लिए कुछ अवार्ड सेरेमनी की गई, ठीक है, पोषण अभियान के द्वारा, तो न्यू दिल्ली जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्रोफेसर मीथा नारायण was conferred the Pushkin Medal 2019. So अभी recently एक professor जिनको आपका Pushkin Medal जो कि अगर हम लोग बात करें Pushkin Medal कहाँ का second highest आपका ये पूछा गया, it is the highest honor given to an Indian scholar by the which country's government. तो अगर हम लोग answers की तरफ चलते हैं ना, पुष्किन जो मेडल है आपका ये इशू किया गया किसके द्वारा आपका, जो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा आपका प्रोफेसर
मीता नारायण, जिनको पुष्किन मेडल 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है, पुष्किन मेडल 2019 से सम्मानित किया गया, किसको आपका, मीता नारायण को। तो मीता नारायण जो कि करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखें। और जो पुष्किन मेडल आपका कहाँ का, या फिर किसी भी भारतीय को मिलने वाला हाईएस्ट ऑनर्स कहाँ से, तो आपका आंसर क्या होगा, रशिया आपका। तो रशिया का अवार्ड आपका पुष्किन मेडल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सून बी इंट्रोड्यूसिंग टू अवार्ड्स, द नीलम शर्मा तेजस्विनी अवार्ड एंड अचेत्यानंद साहू अवार्ड्स। तो अभी निम्न में से कौन दो नए अवार्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं, अवार्ड्स आपके नीलम शर्मा तेजस्विनी और अचेत्यानंद साहू अवार्ड्स। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, नीलम शर्मा जो कि जो डीडी न्यूज़ है आपका, उसके एक एंकर थे, कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है। दूसरा अचेत्यानंद साहू जो कि अगेन डीडी न्यूज़ की तरफ से आपके कैमरामैन थे, और कहीं ना जब एक छत्तीसगढ़ के अंदर जो इंडियन आर्मी है उसके ऊपर, या जो बीएसएफ जवान है उनके ऊपर जब नक्सलाइट अटैक हुआ था, तो उस अटैक के ड्यूरेशन में आपका अचेत्यानंद साहू का भी डेथ हो गया था, ठीक है। तो इनके चलते हुए नीलम शर्मा तेजस्विनी अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट जो आपका जो भी एंकर्स होते हैं टीवी चैनल्स के अंदर उनको, और अचेत्यानंद साहू दिया जाएगा आपका बेस्ट कैमरामैन अवार्ड आपका, ठीक है। दो नए अवार्ड्स आपके स्टार्ट किए गए हैं, किसके द्वारा, तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे बहुत सारे लोग दूरदर्शन लिख रहे हैं, दूरदर्शन इसका आंसर नहीं है, दूरदर्शन किसके अंडर आता है आपका, प्रसार भारती। तो प्रसार भारती जो कि क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ याद रखें, अचेत्यानंद साहू बेस्ट कैमरामैन और नीलम शर्मा बेस्ट एंकर आपका। तो प्रसार भारती के द्वारा दो नए अवार्ड्स जो स्टार्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द 2019 प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। अगेन यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहला आपका जो प्रेम भाटिया अवार्ड है ये किस फील्ड में जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म होता है, जो लोग पॉलिटिक्स या अदर्स इनको कवरअप करते हैं, इनकी रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है आपका प्रेम भाटिया अवार्ड, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन आपको पूछा है कि हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2019 प्रेम भाटिया अवार्ड्स फॉर द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल जर्नलिज्म, तो आपका आंसर क्या होगा, राजदीप सरदेसाई। तो राजदीप सरदेसाई जो कि जितने भी जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको कवर करते हैं, तो इसके चलते हुए राजदीप सरदेसाई को आपका प्रेम भाटिया अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो दो तीन चीज़ें स्टैटिक भी याद रखें और साथ ही साथ आपका करंट भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड दी वीर चक्र, इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल्स। तो भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्ध वीरता पदक वीर चक्र से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, अभिनंदन वर्धमान जिनको आपका वीर चक्र से आपका सम्मानित किया गया 2019 के लिए। तो अभिनंदन वर्धमान जो कि करेक्ट आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन, Who won the Best Actor Award at the 66th National Film Award? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो 66 फिल्म नेशनल अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था किसको? आयुष्मान खुराना उनकी मूवी अंधाधुन के लिए, और विकी कौशल उनकी मूवी आपका उनकी मूवी का नाम था क्या, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, जिनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आयुष्मान खुराना जिनको उनके मूवी आपका अंधाधुन, और विकी कौशल जिनको आपका सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, तो दोनों के द्वारा इस अवार्ड को शेयर किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज अनाउंस इट्स डैश जर्नलिज्म अवार्ड इन द स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो अभी इसरो के द्वारा एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, जिसको नाम दिया, किस फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इन फील्ड में आपका, इन फील्ड के अंदर एक नया अवार्ड। तो हाल ही में इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में अपने पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, अवार्ड का नाम क्या रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसरो को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं आपका, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। आप नया अवार्ड है, ध्यान रखें इसको, आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड जो स्टार्ट किए गए किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, और इसरो इनको किस फील्ड में देगा, स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के ऊपर जितने भी जो जर्नलिस्ट वर्क करते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखें इस पॉइंट को आपका, विक्रम साराभाई जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो लोग इनकरेक्ट कर रहे हैं आपका, इनको थोड़ा ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखें एटलीस्ट।
अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्रणब मुखर्जी वॉज ऑनर्ड विद इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न. ही सर्व्ड एज इंडियाज डैश प्रेसिडेंट. तो हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. उन्होंने भारत के कौन से मतलब जो प्रणब मुखर्जी थे वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, आपको ये बताना है कि 10 नंबर के थे, 11वें थे, 12वें थे या 13वें थे या 14वें थे. तो कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 13 नंबर. 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे आपका प्रणब मुखर्जी. तो प्रणब मुखर्जी को आपका अभी रिसेंटली भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द प्रेस्टिजियस इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम्स पार्लियामेंट लंडन इन 2019. सो अगर हम लोग बात करें यूके की पार्लियामेंट का नाम, तो जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, इसकी पार्लियामेंट का नाम है आपका हाउस ऑफ कॉमन. तो हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से इसको जाना जाता है. तो हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर आपका इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस, आप एक अवार्ड सेरेमनी जिसके अंदर आपका एक अवार्ड कैटेगरी क्या था आपका, इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस का अवार्ड दिया गया. तो ये किसको दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिया प्रियदर्शनी जैन. तो प्रिया प्रियदर्शनी जैन, जिनको आपका इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस का अवार्ड दिया गया, कहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि क्या है, यूके का संसद का नाम है या पार्लियामेंट का नाम है. ठीक है, तो ये नाम याद रखें, प्रिया प्रियदर्शनी जैन, जिनको इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया. अगला क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड लोग हैं जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि इसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. सो सेशन के एंड के बाद कुछ अच्छे से कमेंट और लाइक जरूर करें, और साथ ही शेयर जरूर करें. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड इन 2019. सो प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है. ऑप्शन है आपके पास 5. तो प्राइड ऑफ द नेशंस अवार्ड 2019 जो कि दिया गया था किसको, विनायक एस हिरमत. ठीक है, विनायक एस हिरमत, जिनको आपका प्राइड ऑफ द नेशन 2019 से सम्मानित किया गया था. तो विनायक एस हिरमत, ये नाम याद रखना आपको. अगला, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2019 रमन मैगसेसे अवार्ड 2019. तो रमन मैगसेसे अवार्ड 2019 या रमन मैगसेसे, जो कि लिटरेचर, जर्नलिज्म या इन फील्ड्स के अंदर आपका दिया जाता है, तो 2019 का, इनमें से आपको ये बताना है कि किसको रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो हम लोगों ने अभी बात करी थी जैसे किसको ये अवार्ड दिया गया, तो आपका आंसर क्या था, रवीश कुमार. तो रवीश कुमार, जिनको पहला गौरी लंकेश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और इससे पहले कुछ दिन पहले आपका रवीश कुमार को ही रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से. इन जुलाई 2019 हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2018 फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन क्रिकेट. तो जुलाई 2019 में क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार 2019 किसको मिला था, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका, स्मृति मांधवा. सो स्मृति मांधवा, जिनको आपका 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, स्मृति मांधवा, जो कि क्रिकेट प्लेयर्स हैं वुमेन क्रिकेट टीम्स के अंदर आपका. तो स्मृति मांधवा, जिनको बेस्ट प्लेयर्स या फिर आपका अर्जुन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था. अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन कोलंबो इन जुलाई 2019. तो जुलाई 2019 में कोलंबो में आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो गया वो किसको आपका, रिद्धि सेन को. तो रिद्धि सेन, जिनको आपका बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड गांधी मंडेला पीस मेडल 2019. तो गांधी मंडेला पीस मेडल 2019 से किसको सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, थिच नाथ हान, जिनको आपका गांधी मंडेला पीस मेडल 2019 से सम्मानित किया गया था. तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं उनको कवर करते हैं. हु हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस रेड इंक अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इन जून 2019. तो रेड इंक अवार्ड किस फील्ड में जाता है, तो आपका आंसर होगा जर्नलिज्म.
और इसके अंदर आपका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, रचना खैरा। तो रचना खैरा जो कि आपका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। तो रेड इंक अवार्ड जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया, रचना खैरा को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द रिसिपिएंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा फॉर द ईयर 2019। तो योगा के विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्वामी राजश्री मुनि, बिहार स्कूल ऑफ योगा और जापान योगा निकेतन। ये दो नाम जो लास्ट के हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा और जापान योगा निकेतन, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे, और स्वामी राजश्री मुनि जो इस लिस्ट में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, सभी क्या है आपका सही है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द सेव वाटर हीरो अवार्ड्स फॉर his effort to raise awareness about water conservation in June 2019। तो save water hero award से किसको सम्मानित किया गया, मतलब पानी के संरक्षण के लिए, आपका जागरूकता फैलाने के लिए, या जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए save water hero award 2019 से सम्मानित किया गया किसको, मार्कंडेय को। तो मार्कंडेय जिनको सेव वाटर हीरो अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2018। सो ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से किससे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर क्या होता है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जिनको आपका ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। सो ज्ञानपीठ अवार्ड अमिताभ घोष को, एक लेखक है इंग्लिश राइटर्स, और पहली बार किसी इंग्लिश राइटर को ये अवार्ड दिया गया था, तो नाम है अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कन्फर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट अवार्ड निशान इजुद्दीन। तो निशान इजुद्दीन कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, ये हम लोगों ने पहले भी करा था, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मालदीव। तो मालदीव का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है आपका निशान इजुद्दीन। तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पहला विजिट मालदीव था, और मालदीव में मालदीव सरकार के द्वारा उनको निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली ग्रेटा थनबर्ग जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है अभी भी, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज एक्शन समिट हुआ था यूथ, उसके अंदर इनका स्पीच था, प्लस क्लाइमेट चेंज एक्शन के ऊपर सोशल एक्टिविस्ट है। सो रिसेंटली ग्रेटा थनबर्ग वॉज अवॉर्डेड एमनेस्टी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर मोबिलाइजिंग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन द लूमिंग पेरिल्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स सी इज फ्रॉम। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग कहाँ के रहने वाले हैं, आपका आंसर क्या होता है, स्वीडन। स्वीडन के रहने वाले हैं ग्रेटा थनबर्ग। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 से किसको अपॉइंट किया गया, तो आपका आंसर क्या होता है आपका, सॉरी इसको करेक्ट करें। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनको आपका ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था, तो सुंदर पिचाई जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 2019 नाइन डॉट्स प्राइज फॉर द एसे ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस। एक ऐसे आपका लिखा गया था जिसका नाम है ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस, और नाइन डॉट अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, नाइन डॉट प्राइज, तो ऐसे या जितने भी जो लिटरेचर है उस फील्ड के अंदर। तो एक ब्रेड आपका एक ऐसे लिखा गया था जिसका नाम है ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस, और जिसको लिखा गया था किसके द्वारा, एमी जैदी के द्वारा। तो एमी जैदी की एक ऐसे जिसके लिए उनको अवार्ड दिया गया, जिस अवार्ड का नाम है आपका नाइन डॉट प्राइज या नाइन डॉट प्राइज के नाम से इसको जानते हैं। सो कंप्यूटर जो मेजर स्क्रीन पर लेके आएंगे। सो गाइज, ये आपका पूरे जो अभी तक के, अगर हम लोग अभी रिसेंट के एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो उससे रिलेट करते हुए अवार्ड्स एंड ऑनर्स का लिस्ट आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, और बहुत सारे करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिए होंगे, क्योंकि जब हम लोग मंथली करंट अफेयर्स करते हैं तो उनके अंदर भी इनको कवर करते हैं, लेकिन ये सेगमेंट वाइज पूरे अवार्ड्स एंड ऑनर्स अभी, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर जो एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम लोग थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और टाइम टू टाइम आपके लिए नए नए ऐसी यूजफुल वीडियोस को प्रेजेंट करते रहें। सो गाइज, हाँ, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड विद टेक्स्टबुक.com। बाय बाय, टेक केयर।